मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोहारू विधानसभा क्षेत्र के कुडल गांव में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अरे पड़ोसी धर्म तो हमको निभाना ही है और हमारे जेपी दलाल जी हमारे मित्र हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से देवी जेपी दलाल जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। और यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि बहुत बड़े बहुमत के साथ जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा हरियाणा में हैट्रिक बनेगी, हैट्रिक बनेगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो आजादी की लड़ाई में जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको आज मौका है और इस बात के लिए है क्योंकि ये लोग आते हैं झूठ और लूट के आधार पर आते हैं। ये जो पार्टियां हैं परिवार की पार्टियां हैं, बाप बेटों की पार्टियां हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर कोई सही माने में अगर जन्म की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है।